खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रीवा में जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शासन द्वारा मिलने वाली राशि के साथ साथ शिक्षण संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान पठन पाठन के साथ साथ अन्य विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए विकास कार्य और पढ़ाई में आने वाली मुश्किलों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आयोजित बैठक के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य ही मिलने वाली राशि और शिक्षण कार्य के संबंध में जानकारी लेना और देना था। आइए दिखाते हैं बैठक की कुछ झलकियां और सुनाते हैं अधिकारियों ने क्या कहा है। जो दायित्वों का निर्वहन है उसको दुगनी और तिगनी गति से करने की आवश्यकता है, क्योंकि फरवरी लास्ट वीक से परीक्षाएं शुरू होने वाली है। सर अभी गए थे अतरेला का किस्सा में बता के आपसे अपनी बातों को खत्म करूंगा। अतरेला में क्लास में गए सर, बच्चियां थी, क्लास भरी हुई थी, बच्चियों का दर्द यह था कि सर हम लोग सब विषय में पास हैं, सिर्फ सोशल साइंस में हम लोग फेल हैं। सोशल साइंस के शिक्षक आते हैं तो क्लास में नहीं आते, पढ़ाते नहीं है और चले जाते हैं। मुश्किल से दो युनिट हमारा खत्म हुआ। जिस सोशल साइंस को हम सबसे सरल मानते हैं, हमारे पूरी की स्कूल की स्कूल में लड़कियां सोशल साइंस में फेल हो गई। तो प्राचार्य महोदय थे नहीं, आदरणीय प्राचार्य महोदय हो, मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा। सिर्फ मेरा यह निवेदन है कि जो भी जहीन व्यक्ति हो सोशल साइंस में वो पढ़ा सकता है। उन बच्चों सर ने नंबर, सबका नंबर लिया हमने, सर हमको नंबर दीजिए, सर कब नहीं पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर हम आप सब कहीं कहीं उनको मिस कर देते हैं, और वो पूरी की पूरी क्लासरूम भरी हुई थी, यानी कि क्लासरूम खाली है, क्लास की क्लास पूरी रूम भरी हुई थी। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि हमारे पास सर ने उसने बच्चों से कहा, टीचर से कहा कि जनवरी दिसंबर और फरवरी तीन महीने है, कक्षा 10 में 6 पेपर होते हैं, 15 96 एक एक पेपर के लिए सर 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग मेहनत करिए। ये प्राचार्यों की मीटिंग है, प्राचार्यों की जो समीक्षा बैठक मैंने बुलाई है, उसमें बहुत सारे हमारे एजेंडा के बिंदु हैं, उनके संबंध में अच्छे चर्चा करने के लिए हमने इनको बुलाया। जैसे हमारे विद्यालयों के लिए अनुरक्षण की कुछ राशि जारी की गई है, राशि से उनको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, समय सीमा में करना है, इसके संबंध में मैंने इनको बताया। इसी प्रकार से कुछ बड़ी योजनाएँ सरकार की हैं जिनको समय सीमा में पूर्ण करना है, मैसेज के माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से जब हम उन्हें निर्देशित करते हैं वो कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज ये बैठक में बुला करके सबको हमने आमने सामने बात किया है और कार्य की गंभीरता को बताया है ताकि समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहां आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहां पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.